चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के बारे में। इसमें अभी तक हम लोग आपके 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका लास्ट और 8वां चैप्टर है। आज बात करेंगे हम लोग लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में। लोकतंत्र की आखिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यानी कि समस्याएँ क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए ज़रूरी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास, इसलिए समय रहते हुए सभी एनसीईआरटी को पढ़ लें। और जो भी आपके लिए ज़रूरी है उन सभी को मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए। जो जो आपके लिए ज़रूरी है वही वही डाली गई हैं वहाँ। तो कक्षा 6वीं से हम लोग कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स देख चुके हैं और कक्षा 10वीं की भी एक बुक्स खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के साथ, ठीक। पर हम लोग बात करेंगे समकालीन भारत सेकेंड के बारे में। लोकतंत्र की चुनौतियां। पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है, इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं हैं। यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कोई कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं बताएगा, बस इतना बता देगा, आपको एक डायरेक्शन बता देगा। उसी तरह जिस तरह से आपको कोई रास्ता तो बता देता है लेकिन ले जाकर आपको आपकी मंजिल तक नहीं छोड़ सकता है, तो इसमें रास्ते बताए जाएंगे और मंजिल आपको खुद चुननी है। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढेंगे ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है। चिंतन चुनौतियों का। क्या आपने कक्षा 9वीं की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को के अध्याय याद है? उसमें हमने देखा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी शुरुआती राय को पुष्ट की ही किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं कि जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसे नहीं है। हम आमतौर पर उन्हें मुश्किलों को चुनौतियां कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौतियों से पार पा लेते हैं तो हम पहले ही अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां भी हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विचार विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए।
भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसा जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं वर्ताओं को मजबूत करना बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्म अलग स्वरूप ले लेती हैं। संक्षेप में अगर हम लोग कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत है। नौवीं कक्षा और अपनी इस पाठ पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर भी किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटें, यादों को ताजा करें और देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आप समझिए कि आपके देश में, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके देश में लोकतंत्र है, क्या सही मायने में यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र का जो मतलब है सही मायने में और जो लोकतंत्र में मिलना चाहिए वो मिल रहा है क्या? जैसे आपको बताता रहा हूँ, एक महिला का, जैसे महिलाओं का एक खास हिस्सा है आपकी, लगभग आपकी जनसंख्या का आधा हिस्सा पुरुषों का है, आधा महिलाओं का है, फिर भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं को बराबर के अधिकार मिल पा रहे हैं, गरीबों को बराबर के अधिकार मिल पा रहे हैं नहीं ना? तो ये हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौतियां भी है। आप देखते हैं कि कई संस्थाएं अपना निष्पक्ष, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कि कोई जिसे बोलना है अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोले, लेकिन आप देखते हैं कई जगह उनकी आवाज भी दबा दी जाती है। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत कमजोर अपने आप में पड़ चुकी हैं और कई संस्थाओं में मतलब नेताओं का अपना दबदबा होने लगता है। तो ये लोकतंत्र की समस्याएं भी है, समझ रहे हैं आप लोग, कि दूसरे से बदले की भावना लेना, अपनी इस सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनका उपयोग दूसरे को नीचे गिराने में करना, ये सभी लोकतंत्र की सामने चुनौतियां हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब को और सताएं और आप दूसरे के साथ, बड़े के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर बैंक में आप जा रहे हैं और आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, आपको लाइन में लगा दिया जाता है और कोई बड़ा जा रहा है तो उसे डायरेक्ट अंदर चला जाता है, तो ये भी लोकतंत्र के सामने चुनौती ही तो है। आप क्या, लोकतंत्र में तो ये कहा गया सबको बराबर रखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, क्या असल में ऐसा होता है? तो ये सभी चुनौतियों में हिस्सा, जो भी कमियां दिखती हैं आपको एक समूह को लेकर, ऐसा नहीं कि आपकी अकेली समस्या कुछ और हो, आपको गाली नहीं देने दिया जा रहा है या फिर और कुछ है, तो ये आपकी पर्सनल समस्या है, समझ रहे हैं? तो यही हाल है। अलग अलग संदर्भ और अलग अलग चुनौतियां, इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दिखाता है। बताएं कि वह चुनौती क्या है, यह भी बताएं कि इस अध्याय में चुनौतियों की जो तीन श्रेणियां बताई गई हैं उनमें से किस श्रेणी को चुनौती है। मुबारक फिर चुने गए, क्या हम इन डिब्बों को खोलें? कहने का मतलब ये है सीधा कि अभी मुबारक फिर से चुने गए, यानी कि अभी इसमें पेटियां खुली नहीं है और चुनने का पहले ऐलान कर दिया। तुम्हें यहां लोकतंत्र नजर आ रहा है गन लेकर? फिर उदारवादी लैंगिक समानता, लिबरल पार्टी की मांग लैंगिक समानता और बराबरी की भागीदारी है, अपने पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता है। सीधा सा मतलब है आप देखते हैं कि आपके यहाँ चुनाव लड़ता है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है, वोट डालने का आजादी है, अधिकार है, लेकिन आप देखते हैं क्या सभी पार्टियों में किसी गरीब को मतलब खास समूह से उठाया जाता है? अगर मुझे लगता है कि बीजेपी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, कोई भी हो, अगर उन्हें आशा ना दिखे उससे जीतते हुए तो वो किसी उस बंदे को या उसे टिकट नहीं देंगे, यानी कि वो आपका अपना मतलब निकालने के लिए देते हैं, किसी गरीब को नहीं उठा के कि लोकतंत्र चलिए किसी गरीब को चुनाव लड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव अभियान का पैसा, व्हाइट हाउस, ये अमेरिका की तस्वीर है, मैक्सो पी आर आई की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव,
पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव धांधली की शिकायत की थी। यानी कि कह सकते हैं कि ये भी अपने देश में भी आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ चुनाव धांधली का प्रकरण चलता रहता है। और कई बार लोग क्या कहते हैं कि ईवीएम पर भी सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आप पहले देखे होंगे, बहुत पहले, कुछ सालों पहले, कि चुनाव धांधली इस तरह की प्रक्रियाएं बहुत हुआ करती थी। पहले नक्सलवादी क्षेत्रों में तो और हुआ करते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। तो इसे आप लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई पार्टी, मतलब कोई ऑप्शन ही ना हो वोट डालने का, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी को चुनिए या ना चुनिए, वो तो सत्ता में है। आपके ना चुनने या वोट ना डालने से वो हटेगी थोड़ी। पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ जन्म समय कराते थे, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते थे। आपको पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं वह नाम मात्र के, जो भी होता है सेनाध्यक्ष शामिल होता है, फैसला वही देता है। इराक नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती है, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। दक्षिण अफ्रीका मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके अधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव। अमेरिका ग्वांतानामो बे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं, अमेरिका की उनकी बातें मानने से इनकार। सऊदी अरब महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं है। इसे भी आप लोग लोकतंत्र कहां से कह सकते हैं। युगोस्लाविया कोसोवो प्रांत में सर्व और अल्बानाई लोगों के बीच जातीय तनाव, युगोस्लाविया बिखर गया। बेल्जियम संविधानिक सुधारों का एक दौर चला, लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट और उनकी अधिक स्वायत्ता की मांग। श्रीलंका 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, विभिन्न समुदाय के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया। अमेरिका नागरिक अधिकार, आश्रित लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर हैं। याद रखिए, अभी भी आप सोचिए कि वोट डालने का अधिकार तो आपके यहाँ एसटीएससी जनजातियों को भी दे दिया गया, क्या उनकी स्थिति सुधरी है, बराबर की पहुंची है? नहीं ना। तो इस तरह की समस्याएं अभी भी देखी जाती हैं। और अमेरिका में तो अभी भी आप सोचिए नस्लीय भेदभाव होता रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा एक व्यक्ति को किस तरह से, आश्रित व्यक्ति को मार दिया गया है। उत्तरी आयरलैंड गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव। नेपाल राजतंत्र को खत्म किया, संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। बोलिविया जनसंघर्ष के समर्थक मैराले प्रधानमंत्री और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हमें देश छोड़कर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा अपना हिसाब से। अलग अलग तरह की चुनौतियों की बात करें तो जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को उल्लेख डाला है, तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खाना में रखा गया। पिछले खंड में एक या फिर एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की हैं, थी कुछ कार्टून भी है, आपने इन्हें देखा। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत से भी इन खानों के लिए दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं है तो आप नई श्रेणियां बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं। संविधानिक बनावट का मतलब यह है कि सबको ऐसे प्रावधान किए जाना चाहिए। आप सोचिए कि आपका 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ पूरी तरह से, आपने देखा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और कुछ आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो तब आप सोचिए कि कितना लोगों में सोच थी उस समय विकसित, कि उन्हें पता था कि इस तरह के कोई संविधान में अधिकारों का ख्याल रखा गया है, कर्तव्य अधिकारों का। आपने देखा है जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भी ख्याल रखा गया है, नागरिकता का ख्याल रखा गया है, राष्ट्रपति पद का ख्याल रखा गया है, प्रधानमंत्री पद का ख्याल रखा गया है। तो सोचिए उस समय आपके कम से कम जागरूक तो हो चुके थे, और इसमें सभी को शामिल किया गया था। आप सोचिए कि आंतरिक सरकार बनी थी, तो आपने देखा होगा कि जब पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब को लिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिया गया था, क्योंकि इन सबके कई ऐसे पक्ष थे उन पर आपसी समझौता नहीं होता था, यानी कि इनकी लड़ाई चलती रहती थी, कई ऐसे तत्व थे, लेकिन फिर भी शामिल किया गया था।
लोकतांत्रिक अधिकार आप देखते हैं, मौलिक अधिकार, संस्थाओं का कामकाज, चुनाव आयोग हो गया आप देखते हैं, चुनाव आयोग, चुनाव कराने के लिए वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आपका, ऐसी संस्थाएं, चुनाव चुनाव करवाया जाता है आपके यहाँ, संघवाद, विकेंद्रीकरण, विविधता को समेटना, राजनीतिक संगठन, कोई अन्य श्रेणी, कोई अन्य श्रेणी, छोड़िए, आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें, आधार तैयार करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती। राजनीतिक सुधारों पर विचार करें अगर हम लोग, इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावना भी जुड़ी है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती है अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं है। तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते हैं। वह कहां से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाव जा सकता है। कहना का सीधा सा मतलब है कि आपको तब तक आप किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं, मतलब उसे खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता ना हो कि आखिर वह समस्या है क्या, उसका समाधान किस तरह से हो सकता है, समझ रहे हैं? पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्र स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की इसलिए चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या फिर स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। पर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है, सो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें जिन्हें भारत में सामाजिक में भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारना यही कि आप देखिए आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता आपकी राजनीति में अधिकतर दिखाई देते हैं, तो इसे भी कानून बनाकर सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई हुआ नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं लाया गया। नए कानून सारी अवांछित चीजों खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुलभ सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलाव को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता है। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है कि WLBW के नियम में बदलाव बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दाव पेंच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता है कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने पर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। आपने देखा है कि आपकी न्यायपालिका ने कई ऐसे निर्णय भी दिए हैं, कई निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ये राजनेताएं या फिर कोई भी पार्टी मानी तब तो सुधार हो, उसने तो अब काम कर दिया, बाकी बचता है संस्थानों का आंदोलन करके सुधारिए, फिर चाहे आप वोटर सुधारें खुद जो वोट देते हैं। कानूनी बदलाव में बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या फिर लाभ पहुंचाने वाले कानून के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने
और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयात करने वाले मौजूदा कानून की मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा कि ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीति भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार हो या नहीं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन 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 क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ है, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधारों के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। यहाँ कुछ चुनौतियां दी हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें देखें और कारण बताते हुए अपने समाधान को बताएं। यह बात याद रखें कि यह बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही हैं या गलत करार नहीं किए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या फिर ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी दें। डॉक्टरों की अनुपस्थिति, राजनीतिक दलों का चंदा, चुनौती क्या है? उत्तर प्रदेश ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं और निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ एक या फिर दो बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण लोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता है। प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। सुधार क्या हो सकते हैं? इसमें सरकार को डॉक्टर की नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। डॉक्टर की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश के कई टुकड़ों में बांटना जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। यहाँ आप लोग डॉक्टरों के बारे में एक बात बोलें, कभी भी लोकतंत्र तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि आप जनता को जागरूक नहीं करेंगे। आपने सूचना का अधिकार बना दिया है, आपने मौलिक अधिकार जोड़ दिए हैं कि आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, सब तरह के अधिकार दे दिए गए हैं, आपको बोलने का अधिकार है। जब जनता को पता हो तब तो ये अधिकार कुछ मायने में रखते हैं। वो आपके यहाँ यही तो हो रहा है, ये चुनौती ही तो है। सबसे बड़ी चुनौती एक ही, जागरूकता का अभाव लोकतंत्र के खिलाफ। आप सोचिए कि अभी आपने देखा है पीएम, जब कोरोना वायरस आया तो पीएम फंड बनाए गए मदद के लिए, उसमें पैसा जमा हुआ जिसने गरीब ने दिया 100 रुपये से लगाकर। आपने खुद देखा है नरेंद्र मोदी साहब का भी, किसी ने 100 रुपया दिया था, उन्होंने उसे भी ट्वीट किया था। तो जनता ने पैसा दिया, उसके बाद किसी ने RTI डालकर उसका हिसाब मांगा तो नहीं दिया गया है, बोला गया कि ये दायरे में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ही तो है आपके लोकतंत्र के सामने कि आप सोचिए कि आपने पैसा दिया उसमें जनता ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं दिया है, सबने जितना 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जिसकी जितनी मतलब हिम्मत हुई, कोई अपना घर बेच के नहीं दे देगा पूरा पैसा, जिसके पास जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से। उसके बाद आपने खुद देखा है कि जब किसी ने मांगी RTI के तहत तो दे देना चाहिए था, वो तो सरकार, जनता ने पैसा जमा किया ना। अब आगे आप देखना कि आगे कोई नहीं जनता इस तरह से योगदान देगी, क्योंकि जब उसे पता ही ना चले कि जनता का पैसा फिर भी कहां जा रहा है, किसी ने पैसा दिया उसे अपना हिसाब मांगने का अधिकार भी नहीं है, तो ये भी चुनौती है। आप सोचिए कि अगर राजनीतिक पार्टी किसी दागी उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रही है जिसने 4-5 से मर्डर किए हुए, बलात्कारी है, गुंडा है एक नंबर का, या फिर डकैत है, उसे भी चुनाव लड़ा दिया जाता है, उसे टिकट दे दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र की समस्या है, तो है लोकतंत्र के सामने चुनौती ही तो है। अगर इस समय भी आप सोचिए कि ST/ST के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या महिला के साथ, महिलाओं को भेदभाव की नजर से देखा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, किसी भी जाति के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र थोड़ी है। मतलब लोकतंत्र के सामने चुनौती ही तो कह सकते हैं आप लोग।
कि एक समाज को नीचे तबके के समाज को बुरी नजरों से देखा जा रहा है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और डॉक्टरों का यही हाल है कि आप सोचिए कि अगर कहीं भी अगर वहां की जनता जागरूक है, आप सरपंच को इस तरह की, अगर पंचायत को इस तरह की कर देंगे कि उसे रिपोर्ट बनाने के लिए कि कितने दिन उपस्थित रहा, वो सरपंच से बात कर लेगा और मिलजुल कर देव। जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तब तक हर तरह से खामियां होती रहेंगी। अभी आपने देखा है कि आवास निकले, प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए, शौचालय के पैसे निकले, उनमें से 12,000 रुपए दिए गए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 1,35,000 के करीब, 50,000 के करीब आपके प्रधानमंत्री आवास में दिए गए, उनमें से 25,000 सेक्रेटरी और सरपंच खा गया 25,000 से 30,000 रुपए। वो आप सोचिए कि अगर मतलब किसे सुधारेंगे आप? अगर जनता को जागरूक कर देते हैं, जनता को बता देते हैं, तभी वो शिकायत कर सकती है। बाकी आपका जिला अधिकारी हो चाहे फिर कोई भी हो, अगर वो उससे सुधरने वाला नहीं है जब तक जनता जागरूक ना हो जाए। जनता अपने अगर कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, तो 70 से 80% आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर उनके यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है तो जनता शिकायत करे ना कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप? वरना आप सोच सकते हैं कि अधिकारी से भी वो जुगाड़ कर लेंगे, किस दिन छापा गल्ला है, किस दिन जांच होना है, उस दिन उपस्थित हो जाएगा डॉक्टर। राजनीति, राजनीतिक दलों का चंदा की बात करें, चुनौती, लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या फिर उनके समर्थन वाले रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। आशंका इस बात की जा रही है कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ आए हुए अपने लोकतंत्र में थोड़ी बहुत आवाज भी उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। सुधार की बात करें अगर हम लोग, तो प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ कदम रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ऐसे में चंदों पर आकार में छूट मिलनी चाहिए। आप सोचिए कि राजनीतिक दलों में चंदा की बात की जा रही है, आपको लगता है कि इस समय कोई गरीब तबके से उठ के नेता बन सकता है? देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब ने चाय बेची हो, राहुल साहब ने चाय बेची हो, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। ना तो आपने देखा है वहां जाकर कि किसने कौन सा काम किया है, समझ रहे हैं? लेकिन इस समय करंट की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की, आपको संभव लगता है कि कोई, चलिए आपके यहाँ से सरपंच का ही ले लीजिए, क्या वो चुनाव लड़ता है, जीतेगा अगर वो पैसा खर्च नहीं करता है? संभव नहीं है ना। अगर ऐसा हो सकता है कि सरकार हर उम्मीदवार को अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो एक सीमित खर्च दे उसे, मतलब अपने खर्च पर चुनाव लड़वाए, तो इसमें संभव हो सकता है कि हर कोई चुनाव लड़ेगा जो मतलब इस तरह की आवाज उठाने। वरना आप जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ईमानदार नेता हैं छोटे तबके के, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए चुनाव, तो क्या करेंगे? राजनीतिक दलों की बात करें तो आप लोग देखते रहते हैं कि इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से भी चंदा मिलता रहता है, हमारे देश के जो बड़े घराने हैं उनसे भी इनसे चंदा मिलता रहता है, और ये वही धर्म निभाते हैं बाद में कि ये गरीबों को छोड़कर ऐसी नीतियां बनाते हैं जो बड़े लोगों के लिए रहती हैं, बड़े लोगों के लिए सुविधाजनक रहती हैं, समझ रहे हैं? कमियां हैं, ये लोकतंत्र के ऐसा नहीं है। आप सोचिए, पहले भी बोल चुका हूं कि लोकतंत्र के सामने एक नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, और राजतंत्र के सामने एक नहीं, बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे लाभ भी हैं। लोकतंत्र में भी बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप सोचिए, राजतंत्र तब तक बेहतर है जब तक राजा कर्तव्य अपना निभाता है, जनता का ख्याल रखता है, और लोकतंत्र तब तक बेहतर है जब तक जनता की आवाज सुनी जाती है। जब से जनता की आवाज सुनना बंद कर दिया जाता है, उनके जो भी वोट है उसकी कीमत बंद कर दी जाती है, कोई कीमत नहीं लगाई जाती है, यानी कि ना के बराबर उन्हें समझा जाता है, तब प्रश्न चिन्ह आपका यहां भी खड़ा होने लगता है। अब ऐसे कई आप देख जानते हैं कि जहां लोकतंत्र है फिर भी वहां गरीबी है, कई मतलब बहुत बुरी स्थिति में गरीबी है, भूख से लोग मर रहे हैं,
एक पर्टिकुलर जो भी समूह है उसे चुनाव लड़ने की या फिर कुछ भी करने की, बड़े बड़े जो भी घराने हैं, समझ रहे हो, और एक मतलब गरीब है कि जिसके पास रोटी खाने के लिए सुविधा नहीं है, तो ये कमी तो है, लोकतंत्र के सामने चुनौती ही तो है। क्या लोकतंत्र यही कहता है कि एक तबके की आवाज को दबा कर रख देना चाहिए? तो ये सभी चुनौतियां ही हैं आपकी। राजनीति को सुधारना, रोज ने अखबार मैडम लिंगदे को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज से बातचीत शुरू करने के लिए वह प्रकरण छोड़ा। कौन सा मैडम? लिंगदे को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया। मैम, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो और बड़े आहान और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी पर की जरूरत है। आप सोचिए कि आपके मन में भी यही सवाल होगा। आपके आज इस समय के नेताओं को देखकर किसी गरीब से जाकर पूछिए, उसके दिमाग में भी यही आएगा कि इन्हें भर के और फेंक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से स्थिति देख रहे हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ना बड़ा आसान होता है। आप दो चार भाषण फेंकिए और सब लोग राजनीतिक राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ जाते हैं। खाने के लिए घर में हो या बच्चे पढ़ रहे हो या नहीं, इससे मतलब नहीं रहता है। लिंगदे मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराए। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार या फिर दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीके से नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? हाँ मैम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा मतलब है कि भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के लिए। आप सोचिए कि आप किसी नेता को चुनते हैं, पहले भी बात कर चुका इस पर कि आप चुनते हैं, आप किसी दूसरी पार्टी मतलब जो आपको पसंद है उसे उसके उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो आपके वोट का महत्व क्या रहा है? आप ही सोचिए, आपके वोट फिर तो आपका वोट बेकार गया ना। भ्रष्टाचार देख लीजिए, इसके लिए लोकतंत्र नहीं चुना गया था। अब आप कहते हैं कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, चलिए ठीक है, मान लेता हूं कि चीन में लोकतंत्र सही नहीं है। आपने देखा है कि जीडीपी के मामले में चीन हर क्षेत्र में, आप देखिए चीन की बेहतर मतलब होता जा रहा है, चीन हर काम में बेहतर होता जा रहा है, जीडीपी के मामले में देख लीजिए, और भी जितने इंडेक्स आते हैं हमसे ऊपर ही आपका चाइना रहता है, तो फिर हमसे बेहतर तो राजतंत्र है। हमारे नेताओं में कुछ ना कुछ तो कमी रही है कि अभी तक, आप सोचिए कि 1947 से अब 70 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमारी व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। किसी गरीब को न्याय मिलना या फिर टाइम से न्याय मिल जाना या फिर ये भेदभाव खत्म हो जाना, महिलाओं की स्थिति सुधर जाना, आप सोचिए कि मतलब अभी तक एक ही प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति चुनी गई है, विधवा पाटिल आपकी राष्ट्रपति चुनी गई है 70 साल में, और 70 साल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनी गई है, दूसरा प्रधानमंत्री बनने की महिला नहीं बनी है, मतलब कुछ तो भेदभाव है, इसे खत्म हो जाना चाहिए था। लिंगदे मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? रोज, हाँ, मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है कि इनकी तरह के ना हो, संभव है कि आगे बेहतर चरित्र वाले नेता हैं। लिंगदे मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, अगर लोग ज्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाएं और अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैम? बीच में ही रोज ने टोक दिया। लिंगदे मैडम, मैं यह नहीं कहती कि नेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान वे बड़े लोग होते हैं जिनकी तस्वीर अखबार में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जिन नेताओं को मैं नहीं जानती हूँ वे अपने साथियों या सरकारी कर्म अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्य वर्गीय पेशेवर लोगों से ज्यादा भ्रष्ट हैं। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है। हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं।
उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं। रोज ने हार नहीं मानी। मैम, मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति, धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक लगनी चाहिए। लेंगे दो मैडम, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक बात तो यही है कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी हैं ही हैं, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने के का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता है। जब लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठते, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। एक बात सोचिए आप कि संविधान में संशोधन करके आपका दल बदल कानून ले आया गया, क्या उसके बाद आपको लगा कि कानून मतलब दल बदल नहीं किए गए, अभी भी आप देख रहे हैं? तो इसमें एक हो सकता है कि जितना ठीक है आपका संविधान ने बहुत कुछ प्रावधान किए हुए हैं, इसमें एक प्रावधान और जुड़ सकता है, वो है जनता का जागरूकता। जब तक जनता जागरूक ना हो, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में आपने चुनाव देखा है, केरल की तस्वीर मैं हमेशा बताता रहता हूं कि दिल्ली का इस बार आपका चुनाव हुआ है, आपने बेहतर तरीके से इसे देखा भी है। क्या देखा है कि दिल्ली में सभी पार्टियों ने तगड़ी से मेहनत की ऐसी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपने देखा है आपके अमित शाह साहब गली गली चक्कर लगाते पूरे, एक कहने का मतलब आप समझिए कि हमारे देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गली गली वोट मांग रहा है। उसके बाद भी आप देखिए कि जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। तो इस तरह से हम लोग बिना कोई कानून लाए, बिना कोई संविधान में संशोधन करके भी अच्छी छवि के नेताओं को ला सकते हैं ना। अब अरविंद केजरीवाल ने काम किया हुआ था, आप देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, कि मतलब कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आ हुआ है तो 97 से 98% रिजल्ट रहा है कई बच्चों के, जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें आपका कानून कुछ भी नहीं कर सकता है, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ से 6 अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो 6 सभी बेस्ट हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कई, ठीक है, आपके जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ा रही हैं, वो भ्रष्ट होंगे, क्लियर है। आप उससे चुनिए ना जो आपकी नजरों में ईमानदार है, भले वो किसी भी पार्टी से हो, वो निर्दलीय ही क्यों ना लड़ रहा हो, तब बदलाव हो सकता है। जब तक जनता ना जागरूक रहे, तब तक यही चलता रहेगा, भुखमरी, स्वास्थ्य की व्यवस्था गिरी हुई, शिक्षा की व्यवस्था गिरी हुई। वही तो आपके यहाँ सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो दिल्ली में है। अभी आपके कोरोना महामारी के चक्कर में देखा आपने कि जो प्राइवेट, मतलब दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य था, यानी कि अस्पताल थे, वो बेहतर स्थिति में थे, जो केंद्र सरकार के थे वो गिरे हुए थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो ये अंतर आप देख सकते हैं। और फिर आपकी मर्जी, आप भक्ति करना पसंद करते हैं तो करते रहिए। देखिए, हमें नहीं भुगतना पड़ता है ना आपको। आज आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि भक्ति से आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसे भुगतती है, उसे भी भुगतना पड़ता है। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, पिछले साल हमने लोकतंत्र की यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्यक्रम पाठ पुस्तक के अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीजें जोड़ी। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदल लें और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। एक बात तो आप लोग याद रखिए कि आपको लगता है कि आप होशियार हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप देखते हैं, मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि 80 से 90% लोगों के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी सोचने की जो शक्ति है वो कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। आप किसी एक नेता को भक्ति समझकर उसकी भक्ति करने लगते हैं, वो सही है या गलत, यही आप करते रहते हैं। आपका ना ये कर्तव्य है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था गिर रही है तो उस पर सवाल पूछें। आपको सूचना का अधिकार दे दिया गया तो उसे के जरिए आप पूछें, आपके यहाँ जो भी पंचायतों में, यहाँ पर नगर पंचायतों, नगर पालिका या कहीं भी काम हो रहा है, वहां अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो आप पूछें। लोकतंत्र में आपको ये सभी अधिकार दिए गए हैं, फिर भी आप उनका उपयोग ना करें तो उसका क्या मतलब है? विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी
नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करें। शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना आसान होता है। आपने पाया कि होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफी आगे आए। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि अधिकतर सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने वाले के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने यह भी देखा है कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार उसके कामकाज से काम आगे तक की है। हमने यह चर्चा भी की है कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण कदम है। आखिर हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो होनी ही चाहिए। ऐसा करने में हमें लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है, उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। एक अच्छे लोकतंत्र को हमें कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किसी विशेषता का होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीजें निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये फैसले आप कीजिए। एक बात आप लोग याद रखिए, आपके यहाँ जो भी मीडिया है इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। आप समझिए कि आप अगर कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं अपना तो आपकी गलती है। अब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, समाज के किसी तबके के साथ गलत हो रहा है, तो मीडिया का काम है कि उसे दिखाए, तो उसे पब्लिक में तो लाए। लेकिन हमारी मीडिया खैर किस तरह से अपना कर्तव्य भूल चुकी है, किस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, ये भी आपके सामने लोकतंत्र के सामने चुनौती रही है। इन सभी समस्याओं को एक समस्या से जोड़ सकते हैं कि आप किसी पर भरोसा करते हैं। भरोसा करना लाजमी है, करना चाहिए, भरोसा गलत नहीं है भरोसा करना। तो भरोसे को एक आप लोकतंत्र समझ सकते हैं, आप सामने वाले पर भरोसा कर रहे हैं। वो तब तक मतलब आपका भरोसा बनाए रखता है, खुद से ज्यादा आपका ख्याल रखता है, आप तब तक भरोसा करना आपका लाजमी है। लेकिन जब वो तोड़ दे उस भरोसे को, वो आपके भरोसे को कुछ ना समझे, तब प्रश्न चिन्ह आपके भरोसे पर लगना शुरू हो जाता है। तो यही लोकतंत्र का हिसाब है कि असल में आप देख रहे हैं कि कई आपके लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह, आपके भारत के लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कई जगह ऐसे मतलब कि अब लोकतंत्र नहीं कहा जा रहा है। चुनने का आपको अधिकार है, लेकिन आप किस तरह से चुन रहे हैं आप भी नहीं जानते हैं। आपको पता ही नहीं कि आप वोट दे के आए क्या होगा इस वोट का, तो ये भी चिन्ह लगने लगा है। तीसरा, मीडिया पर देखते हैं आप, मीडिया की अभी आप देख रहे हैं कि आपके 11 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव केस आए हुए हैं। उसके बाद आपने देखा है कि अब आगे और भी बढ़ेंगे, इस पर मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जुलाई की, ठीक है, 19 जुलाई को देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो आज कितने, 10, 10.5, 11 के करीब लाख केस हैं आपके। तो इनमें से आपने देखा है कि किसी अभिनेता को, अगर किसी नेता को हो रहा है तो मीडिया उसमें दिखा रही है, लेकिन इससे गरीब भी तो कोई पॉजिटिव आया हुआ है, गरीब तो भी तो इससे परेशान है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले सुन रहा था कि किसी एक्टर का शादी कर ली उसने, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा क्या बोला पहला शब्द, उसने बच्चे ने क्या पहना, उस एक्टर ने क्या पहना, उसने क्या खाया, मतलब ये कोई न्यूज मीडिया का कवर करने का काम है नहीं ना। मीडिया का काम अपना होता है कि गरीब का तबके तक जाना, निचले से निचले तबके तक, और की प्रॉब्लमों को सुनना।
लेकिन नहीं देखा जा रहा है। याद रखिए, जब तक मीडिया और लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र पर इसी तरह के प्रश्न चिन्ह लगे रहेंगे। और लोकतंत्र फिर ये याद रखिए, फिर राजतंत्र ही बेहतर है अगर इस तरह की फायदा ना मिले तो। अभी तो नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद हो सकता है एक आंदोलन हो, जब लोगों में गुस्सा फूटे, लोग असंतुष्ट हो जाए पूरी तरह से, तो एक बदलाव तो आएगा देखना। हो सकता है 100, 150, 200 साल, 50 साल बाद इस तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, तब सुधार होगा। क्योंकि आप देखिए कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाने लगा है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के समय की, कांग्रेस के समय में भी हुआ है। तो आप सोचिए कि मुख्य न्यायाधीश, समझ रहे हैं आप लोग, देश का मुख्य न्यायाधीश, अगर उसे मालूम रहे कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है या फिर कोई लाभ का पद और भी मिल सकता है, तो वो तो सरकार के पक्ष में फैसला लेगा ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है लोकतंत्र पर। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं और आगे भी हम लोग समस्याएं देखते रहेंगे आपकी, ठीक है। तो ये जाकर आपका कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड बुक्स खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे समकालीन भारत सेकंड के बारे में, ठीक है, कल से।